औरों से प्यार करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसी लड़की है जो जानवरों से बेहद लगाव रखने की वजह से अपने घर को ही बना डाला है जानवरों का अस्पताल, जहां आपको कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बकरी, गाय, भैंस का इलाज करवाते आवारा जानवर मिल जाएंगे, जिनका बसेरा सड़कों पर ही होता है। जब कोई आवारा जानवर को कहीं भी किसी भी इलाके में तकलीफ होती है, लोगों के द्वारा इनके टोल फ्री नंबर पर जानकारी नहीं मिलती है, तो ये समय को ना देखते हुए फौरन बताई हुई जगह पर पहुंच जाती हैं और अपनी टीम के साथ उस पशु का इलाज करती हैं और इलाज के लिए अपने घर ले आती हैं, जहां पर उसका इलाज और पूरा ट्रीटमेंट करती हैं। जानवरों से इन्हें बे इंतहा दीवानगी है, जो किसी भी जानवर को कष्ट में नहीं देख सकती। स्टार्टिंग में तो जब मतलब बहुत ही बचपन की बात है, कोई बिल्ली का बच्चा या चिड़िया का बच्चा मिलता था तो जितना मतलब उसको लेके आते थे, जितनी मदद हो पाती थी वो करने की कोशिश करते थे, मगर इसको एकदम इतनी अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं इस बात का अंदाज़ा नहीं था। फिर कुछ टाइम पहले दिल्ली में गए, वहाँ पे चीज़ें देखी, सीखी, लोगों के साथ काम किया, फिर वहाँ पे तो जैसे तुरंत मदद मिलती है जानवरों के लिए। तो हम जब वापस इलाहाबाद आए तो हमने यहाँ पे एक कुत्ता देखा जिसे मदद चाहिए थी, तो उस वक्त हमने बहुत कोशिश करी ढूंढने की मगर कोई मिला नहीं। तो तब से मुझे एहसास हुआ कि मतलब प्रयागराज में अगर किसी को मदद चाहिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ यहाँ कोई मदद ही नहीं कर रहा है। तब हमने ये डिसाइड किया कि हम वो काम शुरू करेंगे और हम उन जानवरों की मदद करेंगे जिनकी और कोई मदद नहीं करना चाहता है। तब से फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और हमारा मकसद ये है कि जिनको भी कोई जानवर तकलीफ़ में दिखता है तो वो पहले मदद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नहीं होती है फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मरना ही है, कोई मदद तो करेगा नहीं। तो हम चाहते हैं लोगों में वो जो संवेदनशीलता है वो ना ख़त्म हो और किसी भी जानवर को ऐसे तड़प के मरना ना पड़े। इनका घर पूरी तरह से जानवरों के हॉस्पिटल में तब्दील है और घायल जानवरों के इलाज के साथ ही इनकी देखभाल के दौरान साफ सफाई भी खुद करती हैं और इनके इलाज के साथ खाने की व्यवस्था भी करती हैं। लोगों के द्वारा जानवरों से क्रूर बर्ताव करने वाले लोगों को अपने प्यार करने का अंदाज से एक नसीहत देने का काम करती है। इनके इस बेहतरीन कार्य से समाज में लोगों के बीच मिसाल पेश कर रही हैं। हम लोग साथ में स्कूल में थे, वहाँ से हमने शुरुआत की, बच्चों को पढ़ाने से हमने शुरू किया था, तो तब लगता था कि हाँ ठीक है कुछ अलग काम कर रहे हैं जो और लोग नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बर्ड हाउसेस वगैरह लगाए, सब किया। फिर जब इसका आइडिया मैंने सुना कि हम लोगों को जानवरों के लिए ऐसे हेल्पलाइन शुरू करनी है, उनको हेल्प करना है और केसेस देखेंगे हम लोग, तो मुझे तो कुछ नहीं पता था, तो मुझे लगा था ये कैसे होगा क्या होगा, पर आज जितना भी जो भी है हम लोग सब जितने भी लोग इसके साथ काम करते हैं सब इसी से हमें प्रेरणा मिलती है, यही हमें सिखाती है और बहुत कुछ अब हम लोग सीख गए हैं, खुद से जाके रेस्क्यू कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इसने इतना कुछ सिखा दिया है, वरना कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल का काम हम लोग कर पाएंगे। जानवरों का जो पैर कट जाता है, बहुत ज़्यादा घायल होते हैं, उनको देख करके मन में कुछ ऐसा नहीं आप लोग को लगता? फर्स्ट टाइम तो बहुत अजीब सा लगा था कि ये कैसे होगा या उसको पकड़ेंगे कैसे, डर भी लगा था कि काट लेगा क्या करेंगे, बट धीरे धीरे करके, लगा नहीं था कि कभी अकेले कर पाएंगे, बट इसने धीरे धीरे करके सिखा दिया, इसको देख के आ गया बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें पढ़ के, लोगों को देख कर, और बहुत कुछ करते करते अब सीख गए हैं, इतना अभी भी नहीं हो पाता है बट फिर भी अब अगर किसी को देखते हैं इतना घाव में या तो परेशानी नहीं होती। Thank you.